मेरा बर्थडे सचमुच स्पेशल है। पहले तो ये बताओ पार्टी कितने बजे है? ठीक 6:30 बजे और सब इनवाइटेड है। ये किसका चेहरा है मेरे आका? ये वो सतमंगलमुनि है जो भविष्य को दिनार के नाम करने के लिए दूसरा जन्म देगा। मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा और तुम अपनी आत्मा उनके नाम करो। बहुत जल्द इस धरती के तमाम बच्चे मेरी शक्ति के गुलाम होंगे। हाँ पर कैसे? इस खिलौने के जरिए। इस खिलौने से मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि बच्चा बच्चा मेरी मुट्ठी में होगा। आपके नाम से सारी दुनिया कांपेगी आका। पर बच्चे तो कमजोर होते हैं, वो आपके किस काम आएंगे? मूर्ख अजगर, बच्चों को कमजोर कहते हो? उनकी आत्मा में वो ताकत है जिसके सामने कोई भी पाप मजबूत नहीं बन सकता। उनको वश में करके ही मैं दुनिया पर राज करूंगा। फिर तो षड्यंत्र के इस मोहरे को घर घर पहुंचाना होगा। लो, अभी तुम आते ही शुरू हो गए। मुझे बताओ तो सही पार्टी कैसी रही? ये लो। अरे पार्टी में ना बहुत मजा आया। क्या खाक मजा आया, मैं तो बिल्कुल बोर हो गया। अभी तुम्हारा बस चले तो तुम इस वीडियो गेम को अपने गले में लटका कर ही कहीं बाहर जाओ। ये गेम भी बोरिंग है, मुझे बिल्लू ब्लास्टर चाहिए, ठीक वैसा ही जैसे हम लोगों ने मीनू को गिफ्ट किया। तुम्हें बिल्लू ब्लास्टर अच्छा लगा? वाह, पहली बार तुम्हें कोई मेरे पसंद की चीज अच्छी लगी है। इसमें तुम्हारे पसंद की क्या बात है, सभी जानते हैं कि बिल्लू ब्लास्टर गेम बिल्लू टॉय फैक्ट्री की सबसे एक्साइटिंग गेम है। पापम शरणम विनाश विजयम पराजम गोगा जीवितम। पापम शरणम विनाश विजयम पराजम गोगा जीवितम। पाप राज करेगा। चलो चलो देर हो रही है, जल्दी करो। अरे वाह, नहीं जॉय अभी नहीं, देर हो रही है। बहन ओ नो मनो मांडी तुमने ये खबर पढ़ी? तुमने वो खतरनाक खूनी गोगा आज सूली पे चढ़ने वाला है। तो इसमें पाग इतना दुखी होने की क्या बात है? आपको पता है उसे कितने लोगों की जाने ली है? अरे इसलिए तो, अरे गोगा को मारना आसान काम नहीं है, कहीं वो भाग निकला तो। अरे वाह, ऐसे कैसे भाग निकलेगा? अरे तुझे पता नहीं, वो बहुत चालाक है, वो अपना बिल्लू है ना गोगा। अपना बिल्लू? वो बड़ा बिजनेसमैन, अरे जिसकी खिलौने की फैक्ट्री है। हाँ हाँ। अरे उसी ने गोगा के खिलाफ गवाही दी, वरना पुलिस उसको कभी पकड़ नहीं पाती। चलो उठो गोगा, तुम्हारी फांसी का समय आ गया है। चलो उठो। डॉक्टर साहब, जो इसकी तबीयत एक बार चेक कीजिए। जिले साहब, ये तो मर चुका है। क्या पराजम गोगा जीवितम। ऐसे कैसे मर गया है, कुछ समझ में नहीं आया। विराट की जय में गोगा की जय। रखना है तुमको विराट का मान, क्योंकि बाप राज करेगा। Okay.
कितनी बुरी बात है, बड़ा भाई आवाज दे रहा है और छोटा भाई है कि सुनता ही नहीं। क्यों ब्लंकी, ये तुम सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। क्या बात है भाई, हो तो ऐसा क्या किस्मत भाई है बॉस। काश ये ब्लंकी मेरा भाई होता तो बना लो उसे ही अपना भाई। महाशक्तिशाली विराट की सेना में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम उनके लिए काम करोगे। कैसा काम? जिसके लिए मेरे आका ने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया है। अपने आका से बोलना कि गोगा ने आज तक किसी की गुलामी नहीं की। भविष्य काल विराट का, भविष्य काल विराट का। भविष्यकाल विराट का। अंधेरे की दुनिया के राजा ने एक बार जिसे अपने वश में कर लिया, वो बाहर की दुनिया में वापस नहीं जा सकता। अपने गुलाम को माफ कर दो, माफ कर दो। दुष्कर्म महाकर्म विराट कर्म परम करम, 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 दुष्कर्म महाकर्म विराट कर्म परम करम। काली शक्तियों के सम्राट महान विराट की जय। आज से गोगा आपका दास। गोगा नहीं सिर्फ सांप, आज तुमने नई शक्तियों के साथ जन्म लिया है। जिप सैप की शक्ति आपकी देन है, बताइए मुझे क्या करना है। आज का मुझे ये आदमी ला कर दो। ये तो मेरा पुराना बिजनेस पार्टनर बिल्लू है, इसी की वजह से मैं जेल गया था। जानता हूं, इसीलिए ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। मैं इसे जान से मार दूंगा। खबरदार जो तुमने ये गलती की। मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। उसके बनाए हुए खिलौनों के जरिए मुझे बच्चों के मन पर काबू पाना है। जा और उसे मेरे पास लेकर आ। पाप राज करेगा। शक्ति, मेरी कॉस्ट्यूम कौन सी है? तो अपना कॉस्ट्यूम भी नहीं आता। वेके 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 यही है, यही है, यही है ना? और तुम्हारी लाइंस, एक मिनट, ये वाली है, ये है तुम्हारी लाइंस। ये वाली ना? हाँ। चोरों के सरदार, खबरदार, अब ये तुम्हारा खजाना तुम्हारा नहीं रहा। वेरी गुड मीनू। चंकी, अब तुम्हारी बारी। यस मिस, आया। मेरे खजाने को हाथ लगाने की जुर्रत किसने की? बताओ मीर कासिम। मीर कासिम? हाँ हाँ मिस जैस्मिन। सरदार, जिसने भी ये किया है हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। जॉइस, जॉन, तुम कब से मीर कासिम बन गए? सॉरी मिस जैस्मिन। ऐसे कैसे सॉरी जॉन, तुम ऐसी गड़बड़ कैसे कर सकते हो? अब काहे चिंता करती है जैस्मिन जी, हम उनका ऐसा रोल देंगे जिसमें इसको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अली बाबा का गधा।
लगता है जनता खुश हो गई, इसका प्रमोशन कर देते हैं, गधा से बना देते हैं खच्चर। दोनों मोटा मोटी एक ही परिवार से है, भाई भाई। आज के लिए रिहर्सल्स काफी है, कल सुबह 8:30 बजे मिलेंगे। गुड बाय क्लास। बढ़िया से सब लोग लाइन याद करके लाना, और 8:30 बजे से एक भी मिनट लेट हुआ ना तो नाटक से बाहर, समझे ना, बाहर। दिल मत छोटा करो जा, चलो हम टिफिन खाते हैं। ओके चेयर अप जॉय, तुम तो इतना उदास मेरे बर्थडे के दिन भी नहीं हुए थे जब हीरो तुमसे बिना मिले ही चला गया। वाओ, ये चांस मिस किया जॉय ने। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल लेना। वैसे भी हीरो की कई क्वालिटीज तुमसे मिलती जुलती है। क्या मतलब? हीरो अपने फ्रेंड्स को बहुत प्यार करता है और उसका मन भी बिल्कुल साफ है, तुम्हारी तरह। मुझे तो इस वक्त सिर्फ एक करेला नजर आ रहा है, इसे साफ कर सकते हैं? हाँ, मैं करके देता हूँ ना। तुम करेला खाओगे? हाँ, क्यों नहीं, लाओ तुम मुझे दे दो और मेरा टिफिन तुम खा लो। हाँ, वाओ, बाय जॉय। जॉय, तुम असली हीरो हो। सब बुद्धू, हीरो को तो जादू आते हैं, ये हीरो कैसे बन सकता है? खुजली, ये खुजली क्यों हो रही है? एक है मजाक है, कौन है तुम? कमाल है, मुझे पहचाना नहीं। वैसे एज एन आइडिया ख्याल बुरा नहीं है, जाओ तो तुम्हारे स्टाइल के खिलौने बना सकता हूँ मैं। वैसे कितने लोगे? फिलहाल तो तुम ही काफी हो, चलो। इतनी जल्दी क्या है? जिप जैप हर काम इसी स्पीड में करता है। जिप जैप नाम भी बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर बहुत बुरा है, समझे? रुक जा जिप जैप। बोलू पब्ली, इसके पीछे करो। किधर गया ये? किसे ढूंढ रहा है? वो बिजली जैसा था शायद, बड़ा ही तेज था। अच्छा वो, हाँ हाँ, मैंने उसे अभी वहाँ जाते देखा है। वहाँ? हाँ, जा जा जा। हेलो हैंडसम, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? How rude! जिप जैप की स्पीड का कोई मुकाबला नहीं। लगता है तुम्हारा घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। हेलो, क्या आप मुझे ढूंढ रहे जनाब? हीरो, हीरो तुम ठीक तो? सिर्फ साथ मुझे चकमा देकर चला गया, क्या मैं अपनी शक्ति से उसकी स्पीड नहीं पा सकता? कोई तो रास्ता होगा। जिप जैप के चारों तरफ मेरे आका की काली परछाई, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं, क्योंकि पाप राज करेगा। मैं जिप जैप को हरा नहीं पाया दुर्गा मां, लेकिन मैं जानता हूं कि उसे हराने की शक्ति मुझे आपकी अंगूठी से जरूर मिलेगी। मैं रात भर ध्यान करूंगा और उसे समझने की कोशिश करूंगा, ताकि अगली बार मैं उसकी तेजी का मुकाबला कर सकूं। सर्व भूतेषु
अवि जाओ बेटा जाकर देखो जॉय अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, रोज तो इस वक्त तक बाहर आ जाता है। तुम ही देखो ना मुझे सुबह सुबह उसके कमरे में नहीं जाना। अवि जाओ बेटा प्लीज, आज मुझे भी बाहर जाना है। आज फिर रिहर्सल में कोई बेवकूफी करके अपने साथ साथ मेरा भी मजाक उड़वाएगा। और 8:30 बजे से 1 भी मिनट लेट हुआ ना तो नाटक से बाहर, समझे ना? आज तो मैं इसकी अलामी बन करके रहूंगा। अली बाबा की लाइन याद करके खुद ही स्कूल आ जाएगा। अच्छा मॉम मैं चलता हूँ, बाय। नहीं अली बाबा वो जरूर आएंगे। मीनू चंकी तुम अपनी लाइंस पढ़ो। यस मिस। मैं तुम्हारा सरदार, तुम्हें ऑर्डर करता हूँ। चंकी ऑर्डर नहीं हुक्म करता हूँ। 8:25 हो गए वो नहीं आएगा, हमसे पूछिए हम झेले हैं उसे इतने सालों तक, हमको पता है। लेकिन मुझे तो लगा था कि जॉय इस प्ले को लेकर बहुत सीरियस है। अरे जास्मिन जी काहे का सीरियस, चादर तान के सोया होगा किधर। हम तो कहते हैं उसको नाटक से भी बाहर कर दीजिए और स्कूल से भी। हाँ अब तो अपने बहुत अच्छा होगा।